아이가 स्टडी हो रही है। देखो मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए और इधर क्यारा भी पढ़ रही है। क्यारा आप क्या लिख रहे हो? ई फोर एनीटाइम। ई फोर एनीटाइम। आप क्या बना रहे हो? एलिफेंट। एलिफेंट बना रहे हो? आपको कौन पढ़ा रहा है? एलिफेंट। साफ से बोलो, पेंसिल से एलिफेंट बना रहे हो? हाँ ठीक है। और अब क्यारा और मैं बैठ के पढ़ रहे हैं और त्राय सो रहा है और वही मैंने अभी टीवी में लगा लिया है, वहां से मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ यहाँ बैठकर। और खाना मेरा लगभग थोड़ा बहुत बन गया है और कुछ बना नहीं रही ऐसा कुछ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, मम्मा की भी ठीक नहीं है, मेरी भी ठीक नहीं है। तो खिचड़ी बनाया है, मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है। और आज स्कूल क्यों नहीं गए आप? अब मैं नहीं गई। क्यों नहीं गए? मैं नहीं गई, मैंने एलिफेंट बनाया। उसको स्कूल नहीं भेजा मैंने क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि कफ आ रहा था, खांसी कर रही थी तो थोड़ा कफ सा आ रहा था, उसको मैंने इसलिए स्कूल भी नहीं भेजा। रात को थोड़ा लेट सोए थे तो थोड़ा मेरे को भी आलस सा आ गया, मेरे को भी मन नहीं कर रहा था उठने का, इसलिए मैंने इसको स्कूल भी नहीं भेजा। कल से इसके एग्जाम चालू है। क्या हुआ? मौसम इतना प्यारा था कि फैन ऑन करके सो रहे थे, उसमें भी ठंड लग रही थी, जरूरत नहीं पड़ी एसी ऑन करने की। और बच्चों की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। इधर आ जाओ बेटा, फैन खराब हो जाएगा। इधर आ जाओ, बैठो, पढ़ो। मम्मा पढ़ रही है ना, आ जाओ। बहुत शैतानी करती है भाई। तो अभी हम लोग अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं। मम्मी ने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं और काफी हैं, कुछ क्या काफी हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। लगी हुई हूँ प्रिपरेशन में, देखो क्या होता है, भगवान क्या करते हैं। काम तो है ही और डिपेंड हम पे भी करता है कि हम किस वे से तैयारी करते हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अपने टारगेट पे कितना फोकस कर रहे हैं। ये हम पे भी डिपेंड कर रहा है कि हम लोग टाइम का यूटिलाइज कैसे करते हैं और अपने लिए टाइम कैसे निकाल रहे हैं। तो डिपेंड तो ये हम पे भी करता है कि अगर हम लोग बहाना बना लें या हम कह दें कि हमें टाइम ही नहीं लगा पढ़ने का और हम पढ़ नहीं पाए, तो एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो गया कि आप बहाना बना रहे हैं। तो बहाना बनाना बंद करें और पढ़ना स्टार्ट करें। आप शुरू से पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। ए ए बी सी डी एफ। यहाँ से एफ नाइन एफ टाइ एफ जी डी एफ नाइन एफ फिश एलिफेंट आई मंकी क्यू ये टाइगर है। ये खुश हूँ, मुझे पता नहीं था कि इसको मतलब ये अल्फाबेट्स की पहचान हो गई है। ये किसने मतलब पढ़ा ऐसे करके ए बी सी डी करके, फिर यहाँ पे एच कर रही है, एफ कर रही है, ई कर रही है, इधर एम कर रही है और इधर कह रही है पी है। तो ये मतलब ये अपने आप इनने फोन में और टीवी में देख देख के सीखा है। एल एल फॉर लॉयर,
तो ये अपने आप हमने टीवी में देख के सीख लिया है। मुझे मतलब आई कांट बिलीव दिस, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ लोयन है और यहाँ मेरे सुपुत्र उठ चुके हैं। यस, देखो ये तो यहाँ पे उठा हुआ ही सोच रहा है कि मैं इसको उठा लूँ। तो देखो, अरे वाह भाई वाह, मम्मा देखो क्या खा रहे हो आप क्या खा रहे हो इधर दिखाओ क्या खा रहे हो यश, आपने कागज खाया है क्या? मुँह दिखाओ, मुँह खोलो। नहीं है, अरे मुँह में कागज है आपके? नहीं है, ऐसे मुँह घुमा रहा है। आकू, आकू ने स्टार है ये। ये क्या है बेटा? क्या है? क्या है? डोर। डोर। और ये क्या है? क्या है? टोक। आप बताओ क्या है? वॉच। वॉच है। ये है क्या है? क्या है? क्या जंगल वैल? जंगल, जिंगल वैल है। जिंगल वैल। अरे वाह भाई। याक। क्या है? याक। क्या है? याक है, याक। याक क्या है? ये पता नहीं क्या बना बेटा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। की है क्या? की है। अच्छा ये क्या है? ये गोला है। नाइन के बाद कुछ आता है कि नाइन ही आता है? नाइन। कहाँ है? ये है गोला। अच्छा, और ट्रायंगल? ये है। यस। और स्क्वायर? स्क्वायर कहाँ है? यस। रेक्टेंगल कहाँ है? रेक्टेंगल। ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है। अच्छा सुनो, 1 2 3 कहाँ लिखा है? 1 2 पढ़ के सुना दो। 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 कहाँ है? ये पढ़ो, पढ़ो पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। नोजी आ रही है। अच्छा 1 2 3 पोड़ो। यक्ष नहीं करोगे? आराम मत रुलाओ बेटा, नहीं बेटा मत करो। क्या रहा आप? मैंने ये ले लिया। भैया भी तो पड़ेगा ना, भाई है ना, कौन है क्या रहे हैं? बैठे थे प्यारा और मैंने आज खूब पढ़ाई करी है और यहाँ पे अब ट्रैक टूट गया है तो ये पढ़ने नहीं दे रहा है। नहीं छोड़ो उसको, छोड़ो। तो अभी दोनों बच्चे उठे। मत करो क्यारा, क्यारा मत करो गिल्ली गिल्ली। तो अब ये क्यारा ना, क्यारा इसको पढ़ने देगी। सॉरी क्यारा इसको पढ़ने दे यारी। क्यारा मत करो, पीछे 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 पीछे।
यक्ष डांस डांस बेटे डांस करो।